हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में एक नई चीज़ जो कि है जबोट्रॉन। तो जबोट्रॉन के थ्रू हम एक बॉक्स जैसा क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। ये इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में। सो जम्बोट्रॉन जो है सिंपल सा एक बॉक्स है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन शो करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, सो उसी तरह से बूटस्ट्रैप में भी हम इसी तरह का एक बॉक्स क्रिएट करते हैं जम्बोट्रॉन के थ्रू, और इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन शो कराते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में या फिर इमेज की फॉर्म में। जो कुछ भी आप चाहें आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। आप इसे चाहे तो फुल लेंथ दे सकते हैं, पूरी की पूरी स्क्रीन के बराबर इसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हाफ। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं अब कोडिंग इसको लेके। सो यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे HTML का, और यहाँ पे कोड लाइंस दी हुई मैंने बूटस्ट्रैप की। सो ये टाइप कर लीजिएगा पहले, स्टार्ट करने से पहले। तो अब बॉडी के अंदर हम कोड लिखेंगे अपना, जो कि है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। सो पहली लाइन हमारी हमेशा स्टार्ट होती है यहाँ पे डिव, फिर क्लास। हमेशा डिव क्लास याद रखिए। और अब इन कॉलम्स के अंदर जो है आएगा हमारा कंटेनर। कंटेनर, अगर आपको नहीं पता है कि कंटेनर हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बताया कि कंटेनर क्या है। सो कंटेनर के थ्रू हम लेंथ को सिलेक्ट करते हैं हमारे वेब पेज की, जो भी है। उसके बाद यहाँ पे टू टाइप की होती है हमारे पास, एक फ्लूड भी लगा सकता हूँ मैं इसके आगे इस तरह से। फ्लूड, फ्लूड फुल लेंथ देगा, और कंटेनर हाफ। तो पहले मैं हाफ का करेंगे हम यहाँ पे, और फिर अगला कोड है जम्बोट्रॉन का। तो जम्बोट्रॉन के लिए लिखेंगे हम डिव क्लास, हमेशा याद रखिए डिव क्लास बूटस्ट्रैप अगर आप यूज कर रहे हैं, और फिर उस चीज का नाम जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो है जम्बोट्रॉन। तो जम्बोट्रॉन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जम्बोट्रॉन लगाया। अब इन दोनों क्लासेस को हम क्लोज कर देंगे। अब जम्बोट्रॉन के अंदर हम हमारा डाटा शो करवा सकते हैं। तो डाटा हम सिंपली H1 हेडिंग में, जैसे कि हेलो वर्ल्ड और क्लोज। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, फाइल को लिख दूंगा मैं जम्बोट्रॉन HTML सेव। अब ब्राउजर पे जाइए और फाइल को ओपन कीजिए जम्बोट्रॉन। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जम्बोट्रॉन। इसका बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे है, और टेक्स्ट कलर यहाँ पे ब्लैक। अब टेक्स्ट का कलर तो डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास ब्लैक होता है, हमें पता है, और इसे हम चेंज भी कर सकते हैं अगर हम CSS वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं H1 में। लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है ग्रे, ये जम्बोट्रॉन का ग्रे है, मतलब बैकग्राउंड कलर। सो ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जम्बोट्रॉन का डिफॉल्ट कलर ग्रे है। सो ग्रे कलर हमें डिफॉल्ट मिलता है यहाँ पे जम्बोट्रॉन के साथ। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली वहाँ पे CSS इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं पहले आपको फुल लेंथ करके दिखाता हूँ इसकी। अब सिंपली यहाँ पे कंटेनर के आगे हम फ्लूड लगाएंगे। फ्लूड लगाते ही इसे सेव कीजिए और इसे रन कीजिए, और अब आप देख सकते हैं कि पूरे वेब पेज में जो है ये जम्बोट्रॉन आ चुका है। सो आप इसके जम्बोट्रॉन के अंदर किसी भी मीडिया को डाल सकते हैं, जैसे कि आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, जो चाहे आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे शो करवाने के लिए हमारे पास यूज होता है जम्बोट्रॉन। सो अब मैं इसे कंटेनर वापस ले आता हूँ कंटेनर में, और अब थोड़ी सी CSS इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पे CSS अब इसमें इंप्लीमेंट करेंगे हम यहाँ पे। तो CSS के लिए हम करते हैं स्टाइल का यूज, स्टाइल टैग लगाइए, और अब यहाँ पे CSS। सो अब अगर हम बेसिक HTML यूज करते हैं तो हम सिंपली CSS में लिखते हैं H1, फिर कर्ली ब्रेसेस और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो जम्बोट्रॉन को अगर हमें CSS में एडिट करना है, तो जब हम CSS में होंगे स्टाइल शीट में, तो यहाँ पे हमें डॉट लगाना है, फिर लिखना है जम्बोट्रॉन, अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। तो याद रखिए, जब भी आप बूटस्ट्रैप का कोई एलिमेंट उसे CSS के थ्रू एडिट कर रहे हैं, तो डॉट लगाइए उससे पहले। सो यहाँ पे अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, और सेव कर देता हूँ फाइल को, और अब रन करता हूँ।
सो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर जो है जेमोट्रॉन का वो रेड हो चुका है, और टेक्स्ट मेरे पास डिफॉल्ट अभी तक ब्लैक है। अब अगर मुझे इस टेक्स्ट को व्हाइट में चेंज करना है तो बहुत इजी है, H1 कर्ली ब्रेसेस, और कलर है हमारे पास कोड कलर को चेंज करने के लिए, और फिर व्हाइट, और अब जो है टेक्स्ट का कलर व्हाइट आ जाएगा हमारे पास। नहीं आया, नहीं आया, क्यों नहीं आया? ओके, सो CSS को अलग से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमें इसकी। यहाँ पे इनलाइन CSS में दे देता हूँ इसके लिए स्टाइल कलर व्हाइट और सेमी कॉलम, और अब इसे रन करके देखते हैं। सो गाइस यहाँ पे चल पड़ा हमारे पास कोड। सो गाइस इस तरह से हम जेमोट्रॉन का यूज करते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और आप इसमें एनिमेशन वगैरह सब कुछ जोड़ सकते हैं। हर डिफरेंट एलिमेंट जब आप एक साथ लाते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा वेब पेज क्रिएट होता है। तो इसी तरह से जो भी आपने सीखा हुआ है अब तक उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए एक साथ, और आप बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर। Thank you.